मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की सर्विसिंग करवाने के लिए। रखी अपनी बाइक साथ में आ गया अपना दोस्त नीरज, और दोनों लेके चल रहे हैं बाइक को सर्विसिंग के लिए। इसको अभी 8-10 दिन पहले खरीदा है, और मेरी नहीं है, परिवार वालों की है। और 800 किलोमीटर कम्प्लीट हो गए, तो इसकी फर्स्ट सर्विसिंग आ गई है। लेकर चल रहा हूँ मैं सर्विसिंग पर इसको आज, और सर्विसिंग के बाद एक जगह घूमने का भी प्लान है, तो वहाँ भी चलेंगे। चले चलो तो चलते भाई शोरूम पर लेकर सर्विसिंग के लिए। और ये भाई भी आया था मार्केट से मिलने के लिए। तो भाई ये है अपनी गाड़ी का लुक, पल्सर N160, और बहुत पावरफुल गाड़ी है। रेस खींचते ही बहुत तेज भागने लग जाती है। पहले सर्विसिंग करवा देता हूँ इसकी, बहुत कम चला रहा था सर्विसिंग के कारण। सर्विसिंग होने के बाद अब डेली चलाऊंगा इसको। रूम पर जा रहे थे लेकिन रास्ते में भाई मंडी भी मिल गए, रोक लिया यहीं रास्ते पे। सर्विसिंग नहीं कर देता हूँ मैं। सर्विसिंग आप ही कर दो, ये रखी गाड़ी आप ही कर दो सर्विसिंग। तो ये फर्स्ट पेमेंट से ली क्या फेसबुक के? नहीं, जो आपसे लिए थे ना वो 1,00,000 अभी 8-10 दिन पहले उनसे लिए। अच्छा, वो तो इसकी लाइट तो बहुत छोटी है यार, बहुत छोटी, बहुत तेज जला देती है। अभी लेके जा रहे हैं भाई अंदर सर्विसिंग के लिए, पासिंग कर रहा है पहले, जिसके बाद सर्विसिंग होगी। तो भाई चढ़ा दी गाड़ी के ऊपर सर्विसिंग के लिए। और भाई पहली सर्विसिंग में क्या होता है? ये आयल वगैरह डैमेज है, फिल्टर चेंज। यार इसकी चेन भी देख लेना, चेन आवाज़ कर रही थी, ये चेन बहुत ढीली हो गई थी, आवाज़ कर रही थी ये। भाई ने कर दिया काम चालू, 10-15 मिनट में हो जाएगी। पहली सर्विसिंग है, ज़्यादा काम नहीं है इसमें। आयल वगैरह चेंज करेगा, फिल्टर साफ कर देगा, और ग्रीस व्रीस कर देगा, बस ज़्यादा काम नहीं है। तो भाई निकाल दिया भाई ने आयल, ये अभी तो नए आयल लग रहा है देखने में तो, लेकिन 800 किलोमीटर चल गई इसलिए चेंज होना भी ज़रूरी नई गाड़ी में। बाइक में डालने के लिए आयल भी लेकर आ गए। कौन सी कंपनी का आयल है? बजाज का ही आयल डाल रहे हैं, बजाज की गाड़ी में। और ये क्या है? ये भी डलेगा क्या है? 100 ml की ऑयल की डिब्बी, ये 100 ml, ये भी ऑयली है। और ये ग्रीस है। और ये क्या भाई? फिल्टर आयल का ही, ऑयल फिल्टर। और ये ऑयल फिल्टर भी डलेगा साथ में। कतरो टाइम और लग जाओ? बस 10-15 मिनट और बता रहा है भाई, जल्दी से हो जाए काम कंप्लीट। तो भाई ने आयल भी डाल दिया है, ले गया अभी चलाने के लिए। टेस्ट ड्राइव कर रहा है सर्विसिंग के बाद। गाड़ी का पूरा काम हो चुका था, और अभी आए काउंटर पर, बिल करवा लेते हैं यहाँ पर, और फिर लेकर चलते हैं गाड़ी को। बाहर चलेंगे आज घूमने के लिए मुझे भाई दोनों। भाई सर्विसिंग कंप्लीट हो गई है, गाड़ी को लेकर आ गए हम बाहर, और अभी डलवा लेते हैं। पेट्रोल पंप है सामने ही पेट्रोल, और फिर निकलते हैं घूमने के लिए। आज जा रहे हैं पास में 30-40 किलोमीटर दूर, एक अच्छी लोकेशन है, वहाँ पर घूम के आते हैं। अब आज पेट्रोल लेकर सीधा आ गए थे राजगढ़ के पास, जा रहे हैं घूमने के लिए। पहले भी आ चुका मैं 3-4 बार तो, लेकिन आज वापस से जा रहा हूँ। भाई पहुँच गए थे मोनपुरा डैम, सामने से ही दिख रहा है रास्ते से ही, और बहुत भारी लोग आ रहा है, पानी पानी भरा चारों तरफ। भाई पहुँच चुके हैं फाइनली मोनपुरा डैम पर, देख लो पानी पानी हो रहा है इधर। अभी तो 1 किलोमीटर दूर होगा लगभग, सामने दिख रहा है, और बहुत शानदार नज़ारा है। अभी लगभग शाम के 4 बज रहा है, इसलिए नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का।